हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सन एंड लव ऑफ देम ऑल के एपिसोड 58 के साथ। सो बिना किसी ज्यादा देर के चलो स्टार्ट करते हैं। सो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि क्विलनी ने याओशियान को बहुत ही अच्छे से धोया था, पीटा था, एंड आखिर में जो कि याओशियान है वो एक गुब्बारे की तरफ फट गया था। एंड उसके पास से क्विलनी को एक रिंग मिली थी जिसे वो अपने घर पर लेकर आ गया था। एंड वो कोई मामूली रिंग नहीं थी, उसके अंदर पूरा का पूरा एक हिडन ट्रेजर था। क्विलनी ये सब देख ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर क्विलनिंग आ जाती है उसे खाने के लिए बुलाने के लिए। सो क्विलनी तभी वहाँ पर प्रकट होता है, क्विलनिंग को बताता है कि मैं इस रिंग के अंदर था। एंड उसके बाद वो क्विलनिंग को लेकर भी उस रिंग के अंदर चला जाता है। क्विलनिंग भी उस रिंग के अंदर के जो हिडन ट्रेजर है उसे देख रही थी। तभी अचानक क्विलनिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस जगह पर उस चीज का पता लगाने की कोशिश करूं जो क्विलनिंग की बॉडी के अंदर है। सो वो क्विलनिंग से इस बारे में पूछता है कि मैं तुम्हारे अंदर जो चीज है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। सो क्विलनिंग कहती है कि ठीक है। एंड उसके बाद क्विलनिंग अपनी कल्टीवेशन पावर से देखने लगता है कि आखिर क्विलनिंग के अंदर जो चीज थी वो आखिर थी क्या। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्विलनिंग अपने कल्टीवेशन पावर की मदद से क्विलनिंग के इनर कल्टीवेशन में आ जाता है। एंड उसके बाद कोई उसे अपनी ओर खींचने लगता है। एंड वो सोचता है कि आखिर मुझे कौन खींच रहा है। एंड तभी अचानक उसकी होठों के सामने आ जाती है एक लड़की। सो क्विलनिंग से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। एंड उसे देखकर जो क्विलनिंग है वो सोचता है कि आखिर ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती है, क्या मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। सो वो लड़की उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती एंड दूसरी तरफ मुड़ जाती है। एंड उसके बाद वो किसी जगह पर जाने लगती है। एंड तभी क्विलनिंग को याद आता है, तो अच्छा ये तो वो थी, मुझे ऐसा काफी टाइम से लग रहा है जैसे कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। चलो हटाओ, पहले मैं इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ क्या होने वाला है। एंड उसके बाद वो उस लड़की का पीछा करते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। एंड उसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुम क्विलनिंग की बॉडी के अंदर क्या कर रही हो। एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि वही एक बहुत बड़ी स्पिरिट टाइप की थी एंड उसके बीच में जो क्विलनिंग है वो थी। एंड वहां पर शायद से कोई फॉर्मेशन टाइप का हो रहा था। एंड क्विलनिंग ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसके बाद क्विलनिंग उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन क्या है और आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। सो वो लड़की अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद क्विलनिंग उससे फिर से पूछता है, अगर तुमने मुझे यहाँ बुलाया है क्योंकि तुम मेरी मदद चाहती हो, तो कम से कम तुम्हें मुझे रीजन तो बताना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सो वो लड़की अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। एंड उसके बाद वो कुछ बोलती है। सो क्विलनिंग को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये तुम बोल क्या रही हो। एंड उसके बाद वो लड़की सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो सील थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। उस सील ने मेरा जो कम्युनिकेशन है वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल तोड़ ही दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड उसके बाद उस लड़की के दिमाग में एक आइडिया आता है। एंड उसके बाद वो लड़की अपना हाथ उठाती है एंड उसे इशारा करके बताती है कि पीछे जो है वो मैं ही हूँ। क्विलनिंग उसे देखकर सोचता है कि क्या ये इशारों के जरिए मुझे बताने की कोशिश कर रही है कुछ। एंड उसके बाद क्विलनिंग बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन चीजों के बीच तुम हो, है ना, ये एक सील है ना। एंड उसके बाद क्विलनिंग उसे कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम और क्विलनिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और अगर तुमने कुछ ही टाइम में उस सील को नहीं तोड़ा तो तुम कुछ ही सालों में गायब हो जाओगी और जो क्विलनिंग है वो मर जाएगी। एंड उसके बाद वो कहता है तो आखिर मैं इस सील को कैसे तोड़ सकता हूँ। एंड उसके बाद वो लड़की क्विलनिंग का हाथ पकड़ती है एंड तभी अचानक क्विलनिंग को उसके लड़की के पास बहुत ही ज्यादा पावर फील होती है एंड वो सोचता है कि ये कितना खतरनाक ऑरा है। एंड उसके बाद वो लड़की वहां से गायब होने लगती है एंड क्विलनिंग को एक किताब दे देती है, उसके तरफ एक किताब फेंक देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन बदल जाता है एंड जो क्विलनिंग है वो क्विलनिंग के इनर बॉडी से निकल जाता है एंड उसके हाथ में अभी भी किताब होती है। सो क्विलनिंग उससे पूछती है कि हनी आखिर ये सब क्या हो रहा है। सो क्विलनिंग उसे बताता है कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कोई मामूली बॉडी नहीं है। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि क्विलनिंग ने क्विलनिंग को सारी बातें बता दी हैं कि जो भी उसके बॉडी के अंदर है उस चीज के बारे में। सो क्विलनिंग बोलती है कि अच्छा तो ये बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज मेरी बॉडी के अंदर होगी। एंड तभी क्विलनिंग क्विलनिंग का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस सील को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तोड़ दूंगा और तुम जितना प्रैक्टिस करोगी कल्टीवेशन की तुम अपनी बॉडी के लिए उतना ही ज्यादा पावरफुल एक फाउंडेशन बना पाओगी। सो क्विलनिंग बोलती है कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। लेकिन तभी दोस्तों बैकग्राउंड में से उसकी बहन की आवाज आती है जो बोलती है कि दीदी जीजा जी आप दोनों कहाँ पर हो। सो क्विलनिंग कहती है कि अरे ये तो जान है, मैं तो भूली गई थी कि वो यहाँ पर है। एंड उसके बाद यहाँ पर फिर से सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि वो तीनों टेबल पर आ गए खाने की एंड जो जितान है वो खाना लेकर आ रही थी। क्विलनिंग क्विलनिंग से बोलती है कि तुम ये डिश खाकर क्यों नहीं देखते, ये जितान ने बनाई है। सो क्विलनिंग बोलता है अच्छा तब तो मुझे इसे टेस्ट करना ही चाहिए। लेकिन तभी जो जितान है वो टेढ़ा मुंह कर लेती है एंड बोलती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा बस कुछ ही टाइम पहले कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है और वैसे ही मैं चाहती हूँ कि तुम इसे खाकर बताओ। एंड वो अपने मन में ये सोच रही होती है कि आखिर ये दोनों उस कमरे में अचानक ही कैसे आ गए, क्योंकि वो दोनों तो घर पर थे ही नहीं कुछ टाइम पहले। यानी दोस्तों ये उस टाइम की बात कर रही है जब क्विलनिंग एंड क्विलनिंग उस रिंग के अंदर थे। एंड उसके बाद जो क्विलनिंग है वो जितान के सिर पर अपना हाथ रखती है और बोलती है कि तुमने बहुत ही मेहनत की है हमारे लिए खाना बनाने में,
तुम्हारी जीजा जी और मैं इस पूरे खाने को खा लेंगे। एंड उसके बाद क्वीन इंडियन डिश को उठाती है एंड बोलती है कि ये थोड़ी डिलीशियस लग रही है। सो जिदान कहती है ये तो बस एक डंपलिंग है। एंड दूसरी तरफ हम फुल्ली को देखते हैं जो कि उस खाने की एक बाइट ले चुका होता है एंड वो बेचारा बोल नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है ये जो पोर्क है वो सच में बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल परफेक्ट स्वाद का है। एंड उसके बाद जो जितान है वो भी उस खाने को उठाती है जो क्विनली खा रहा है एंड उसे खाकर देखती है, जो जैसे खाती है वो तुरंत ही थूक देती है उसे, क्योंकि दोस्तों जो खाना है वो सच में बहुत ही बेकार बना हुआ है। एंड उसके बाद जितान क्विनली से पूछती है कि क्या ये खाना सच में इतना डिलीशियस है, क्योंकि जब मैंने इसे खाया तब तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा है फील। सो क्विनली उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलता है वैसे मुझे जला हुआ खाना पसंद है। सो जो जितान है वो थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि जब तक तुम्हें ये अच्छा लग रहा है तो खा सकते हो तुम। एंड उसके बाद जो जितान है वो क्विनिंग का हाथ पकड़ लेती है एंड उसे बोलती है कि मैं काफ़ी दिनों से सिर्फ घर पर ही हूँ, मैं बाहर घूमने के लिए जाना चाहती हूँ और कुछ ताज़ी हवा लेना चाहती हूँ। सो क्विनिंग बोलती है कि तुम बस अभी अभी ठीक हुई हो, तुम्हें अपना थोड़ा और रेस्ट ले लेना चाहिए और मुझे अपने मम्मी पापा का भी तो ख्याल रखना है, इस दोपहर को मुझे उन्हें देखने के लिए जाना है। सो क्विनिंग क्विनली की तरफ इशारा करके बोलती है कि कैसा रहेगा अगर तुम अपने जीजाजी के साथ जाओ बाहर शॉपिंग करने के लिए। एंड दूसरी तरफ जो क्विनली है वो मस्त आराम से खाना खा रहा होता है किसी बंदर की तरह। सो क्विनिंग की बात सुनकर जो सुतान है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि दीदी तुम तो इस दुनिया में बेस्ट दीदी हो। दोस्तों मुझे लगता है कि जो जितान है एंड क्विनली है वो दोनों साथ में घूमने के लिए जाने वाले हैं एंड क्विनिंग जाने वाली है अपने मम्मी पापा का ख्याल रखने के लिए। सो हो सकता है जितान और क्विनली के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिससे जितान क्विनली को और भी ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि ऐसा होने वाला है शायद से। तुम्हें आगे के एपिसोड्स में कुछ लव ट्राइंगल देखने को मिल जाए जो कि असली वाला होगा, कुछ अट्रैक्शन नहीं होगा, बिल्कुल असली वाला लव ट्राइंगल देखने को मिल जाएगा तुम लोगों को शायद से आने वाले एपिसोड्स में। सो आगे के एपिसोड देखने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। और ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सो अगर तुम्हें ये एपिसोड जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ठोको, और अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना हाथ उठाओ एंड उस सफ़ेद वाले सब्सक्राइब बटन को काला कर दो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली और परिजनों के साथ शेयर कर दो। और आखिर में देखने के लिए धन्यवाद ये वीडियो। और क्या, सायोनारा।